Hi everyone, in this video we are going to discuss 10 amazing projects and after implementing these 10 projects you will definitely going to land in a fan company or high paying startup. But for this you have to watch this video till end. So are you tired of infinite searching about projects ki kaun se projects hum banaye jo hamari placement lene mein help karenge and unhe kaise banaye aur kahan se hum un cheezon ko padhe. So is video mein hum inhi sab cheezon ko detail mein discuss karenge. But before moving forward hit the subscribe button and press the bell icon. So, हम अभी वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें वेब डेवलपमेंट ही क्यों सीखनी चाहिए. इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक रीजंस जो आपको मैं बताना चाहूंगा. आप इससे पैसे कमा सकते हैं यूजिंग फ्रीलांसिंग, आपकी प्लेसमेंट में हेल्प करेगा क्योंकि आपका रिज्यूम में इससे बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है. एंड इसका एक तीसरा भी इंपॉर्टेंट रीजन है कि अगर आपका खुद का स्टार्टअप है तो वेबसाइट आज के टाइम पे एक मस्ट है. 70% मार्केट वेब डेवलपमेंट का है. सो स्पेशली बच्चे जो थर्ड ईयर के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके सिर्फ अभी 5 महीने बचे हुए हैं प्लेसमेंट के लिए. तो बिगिनर टू एडवांस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं अभी तक कि प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए, क्या बनाए. उन्होंने अभी तक कुछ स्टार्ट ही नहीं करा होता. काफी बच्चे पूछते हैं कि क्या हम लेट हो गए, तो देखो अर्ली स्टार्ट करने का एक एडवांटेज होता है. लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन स्टार्ट नाउ एंड गेट प्लेस्ड इन गुड कंपनीज. वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक फ्रंट एंड दूसरा बैक एंड. अब फ्रंट एंड के अंदर टेक्नोलॉजी जो आती है HTML, CSS, JavaScript, React.js. अब React.js मोस्ट वाइडली यूज टेक्नोलॉजी है जो नेटफ्लिक्स जैसी वेबसाइट भी यूज करती है. एंड JavaScript बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड की तरह यूज होती है. इनके अलावा आप Angular.js को यूज कर सकते हो. एंड बैक एंड की अगर हम बात करें तो हम नोड जेएस एंड डेटाबेसिस लाइक MongoDB, PostgreSQL जैसी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं. एंड इनके अलावा हम पाइथन फ्रेमवर्क जैसे जेंगो एंड फ्लास्क को भी यूज कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द रोड मैप ऑफ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट देन यू कैन रेफर टू दीज वीडियोस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. अब मैंने इन प्रोजेक्ट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है, बिगनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस. जिन बच्चों ने बिगनर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बना रखे हैं दे कैन मूव टू इंटरमीडिएट और एडवांस प्रोजेक्ट्स यूजिंग द टाइमलाइन. अब मूविंग ऑन टू प्रोजेक्ट्स, द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन आवर लिस्ट इज टिक टैक टू. अब जीरो काटा ये गेम है टिक टैक टू, किसने नहीं खेला, हम सब ने ये गेम खेला हुआ है. ये बहुत ही बेसिक एंड बिगनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है जो एक दिन में बहुत इजीली कंप्लीट हो सकता है. ये HTML एंड CSS के थ्रू हम इसे बना सकते हैं. इसके अंदर बेसिक फंक्शनैलिटीज जैसे विन, लूज एंड ड्रो ये तो होती हैं. इसको अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना है तो इसके अंदर आप फीचर्स डाल सकते हो, जैसे किसी भी यूजर की हिस्ट्री जो उस प्लेयर ने गेम खेला है उसको आप ऐड कर सकते हो. मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट दैट इज टू डू लिस्ट. अब टू डू लिस्ट को हम HTML, CSS एंड JavaScript के थ्रू बना सकते हैं. ये भी एक बिगनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है. इसके अंदर हम काफ़ी फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हैं, जैसे हम किसी भी टास्क को क्रिएट करना, डिलीट करना, अपडेट करना. सो डेट सिंक करने के लिए इसके अंदर कैलेंडर एंड रिमाइंडर्स ऑल्सो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. सो ऐसे ही हम इसके अंदर मल्टीपल फीचर्स ऐड कर सकते हैं. सो द थर्ड प्रोजेक्ट इज पोर्टफोलियो वेबसाइट. यू कैन बिल्ड इट यूजिंग HTML, CSS एंड JavaScript. सो ये प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे की तरह एक्ट करेगा एंड यूजिंग दिस प्रोजेक्ट यू कैन शोकेस योर स्किल. इन बेसिक प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद आपका सिंटैक्स क्लियर हो जाएगा, आपको फंक्शनैलिटीज के फ्लो का आइडिया लग जाएगा एंड आपको इंटरेस्ट आने लगेगा वेब डेवलपमेंट. अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आगे हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स देखेंगे. नाउ मूविंग ऑन टू इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट. इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स करने के बाद आप 10-15 लाख की कंपनीज जैसे Zscaler, Samsung, Myntra, Nykaa etc. इन सबको टारगेट कर सकते हो. मूविंग ऑन टू इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स, द फर्स्ट इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट इज ब्लॉग वेबसाइट. यू कैन बिल्ड ब्लॉग वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS, JavaScript, React.js एंड Node.js. यू कैन ऐड मल्टीपल फीचर्स इन दिस प्रोजेक्ट, सच एज फर्स्ट इज यूजर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिंग, सेकेंड इज क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट द ब्लॉग, थर्ड इज कॉमेंटिंग ऑन द ब्लॉग, फोर्थ इज सर्च फंक्शनैलिटी टू द ब्लॉग, फिफ्थ इज सोशल मीडिया शेयरिंग, सिक्स्थ इज यूजर मैनेजमेंट, सेवंथ इज एडमिन पोर्टल. दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, बट यू कैन एड मल्टीपल सच फंक्शनैलिटीज टू योर प्रोजेक्ट. सो सेकेंड इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट इज स्प्लिटवाइज वेब ऐप. हैव यू एवर हर्ड ऑफ स्प्लिटवाइज ऐप? इन दिस ऐप वी कैन स्प्लिट अवर एक्सपेंसिज अमंग फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स. सो इट इज समथिंग सिमिलर टू दिस. टैक्स टैग यूज्ड इन दिस वेब ऐप इज फॉर फ्रंट एंड वी कैन यूज HTML, CSS, JavaScript और React.js. Okay, for backend we can use Node.js and Ruby on Rails. For database we can use MongoDB and PostgreSQL. For hosting we can use AWS. For payment integration we can use PayPal or UPI integration. These are some of the technologies, but you can change the technologies according to your need.
सो इस प्रोजेक्ट को करने के बाद आपको पूरा आइडिया लग जाएगा वेब डेवलपमेंट का कि कैसे फ्लो काम करता है, कैसे चीजें काम कर रही है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आप फ्रंट एंड, बैक एंड, होस्टिंग सारी चीजें कवर कर चुके होंगे, तो आपको सारी चीजों का आइडिया होगा। तो द थर्ड इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट इज एयरप्लेन टिकटिंग वेबसाइट। वी कैन बिल्ड अ रिस्पॉन्सिव एंड डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे वो हम हर वेबसाइट के अंदर जो करते हैं सेम करेंगे, फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए एंड डेटाबेसिस के लिए। लेकिन जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है इसकी फंक्शनैलिटीज का, ठीक है। तो हर प्रोजेक्ट की कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज होती हैं, लाइक फंक्शनैलिटीज आर यूजर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, फ्लाइट सर्च, बुकिंग एंड पेमेंट, ओके, सीट सिलेक्शन एंड फ्लाइट स्टेटस। अब ये काफी सही एंड इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स हैं। इसके बाद आपको एक चीज जरूर करनी है, जो आपको करना है वो है कि होस्ट करना है अपने प्रोजेक्ट को। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरव्यूअर जनरली पूछता क्या है, अगर आपसे वो प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो वो देखना चाहता है कि क्या आपने वो प्रोजेक्ट खुद से बनाया है। अगर आप उस प्रोजेक्ट को होस्ट करते हो, यूजर आपकी साइट पर विजिट करता है, तो आपको डेफिनेटली फ्लो क्लियर होता है प्रोजेक्ट का कि वो काम कैसे कर रहा है, कैसे उसका सिंटैक्स होता है। तो इंटरव्यूअर की यही इंटेंशन होती है कि वो जाने कि आपने वो प्रोजेक्ट खुद से बनाया है, क्या आपको फ्लो क्लियर है, क्या आपको आइडिया है कि प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, कैसे बिल्ड होता है। तो ऐसे ही अगर आप खुद से प्रोजेक्ट बनाओगे तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू एडवांस प्रोजेक्ट्स। एडवांस प्रोजेक्ट में अगर आपके पास खुद से ही कोई अमेजिंग आइडिया है, कुछ यूनिक आइडिया, तो आप उसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। या फिर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे क्लोन जिसे अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो आप डेफिनेटली किसी भी फैंग कंपनी या फिर किसी भी हाई पेइंग स्टार्टअप को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो, एंड स्काई इज द लिमिट फॉर योर पैकेज, ओके। सो मूविंग ऑन टू प्रोजेक्ट्स, द फर्स्ट प्रोजेक्ट इज उबर क्लोन। अब काफी फंक्शनैलिटीज जैसे बेसिक फंक्शनैलिटीज हो गई, रजिस्ट्रेशन यूजर का या फिर लॉगिन, ये सारे बेसिक फीचर्स होते हैं, या फिर चेकआउट फीचर हो गया। तो उबर क्लोन में हम अलग क्या करते हैं, उबर क्लोन में हम मैप इंटीग्रेशन करते हैं या फिर यूजर का चेकआउट, जीपीएस ट्रैकिंग करते हैं, ये सारे काफी फीचर्स हैं। इनके अलावा अगर आपको इसे थोड़ा यूनिक बनाना है तो उबर जैसे हमारा किसी भी कैब के लिए काम करते हैं, तो सिमिलरली आप ट्रकिंग सिस्टम के लिए भी बना सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो ऐसे ही हम सेकंड प्रोजेक्ट पे मूव करते हैं जो है हमारा स्विगी का क्लोन। अब इसके अंदर भी हमारे बेसिक फीचर्स तो रहने ही वाले हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया यूजर का या फिर लॉगिन, लेकिन इसके साथ काफी फीचर्स हैं इसके यूनिक। क्या है वो? रजिस्ट्रेशन किसका? हमारे रेस्टोरेंट्स का। ऑर्डर एंड मेन्यू हो गया हमारा। इसके बाद हमारा आता है ऑफर एंड डिस्काउंट, ठीक है, चेकआउट, ये सारे फीचर्स होते हैं। इसके अलावा आप भी कुछ अपने फीचर्स ऐड कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड प्रोजेक्ट। थर्ड प्रोजेक्ट इज नेटफ्लिक्स क्लोन। ओके, सम फीचर्स ऑफ नेटफ्लिक्स क्लोन आर कंटेंट कैटेगराइजेशन, कंटेंट लाइब्रेरी, पर्सनलाइज कंटेंट, फोर्थ इज वीडियो प्लेबैक, सर्च एंड फिल्टर, मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट एंड यूजर प्रोफाइल मैनेजमेंट। इसके अलावा आप अपनी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज या डिक्रीज करने के हिसाब से इसके अंदर मल्टीपल फीचर ऐड कर सकते हो या फिर इन्हें रिमूव भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है। इसे नेटफ्लिक्स ने रिएक्ट के ऊपर बना रखा है, आप भी ट्राई करना कि इसे रिएक्ट के ऊपर ही बनाओ। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोजेक्ट, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट का हम क्लोन बना सकते हैं, जैसे अमेजोन का क्लोन हो गया, राइट। सो मूविंग ऑन टू सम फीचर्स, इसके अंदर हमारे कार्ट आ जाते हैं या फिर हमारे सेलर की लिस्टिंग आ गई, सेलर को ऑनबोर्ड करना, ये सारे काफी फीचर्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी काफी फीचर्स होते हैं कि जैसे हमारे ऑफर एंड डिस्काउंट हो गया, राइट। अदर देन दैट यू कैन ऑल्सो एड सम फीचर्स लाइक प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट रिव्यूज, ओके, रियल टाइम ऑर्डर ट्रैकिंग, पेमेंट गेटवेज, यूजर प्रोफाइल मैनेजमेंट। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स जिन्हें अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू गेट प्लेस्ड इन एनी कंपनी यू वांट। एंड अगर आप लेट हो गए हो तो डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सॉल्यूशन है कि यू कैन स्टार्ट नाउ एंड ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो किसी भी चीज को आप बहुत इजीली क्रैक कर लेते हो, राइट। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करके आपकी एक वीडियो बनाऊं तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हो मुझे, राइट। सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन।